हेलो दोस्तों, तो हाउ टू चैनल में स्वागत है। मैं हूं इन्फ्लुएंसर मैनेजर और आज आपके लिए लाया हूं कैसे आप अपने नीच को डिसाइड कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इस 3 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप अपना नीच डिसाइड कर चुके हैं। ज़रूर इन 3 क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये 3rd पार्ट है वीडियो की। अगर आपने 1st और 2nd नहीं देखी है तो जाके उसको ज़रूर देख लें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ही आसानी से अपने नीच को डिसाइड कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर इतना तेज़ी से वायरल होने का ये सच आप जान सकते हैं। कैसे आप इंस्टाग्राम पे वायरल हो सकते हैं, तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन ये है कि क्या आपको डिसाइड है कि आप किस टॉपिक्स पे वीडियो लंबे समय तक बना सकते हैं। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है और किस टॉपिक पे आप बहुत ही लंबे टाइम तक एक वीडियो को बनाते गए। 3 महीने, साल भर, 2 साल, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस पर डे भी एक वीडियो डालूँ तो मिनिमम या मैक्सिमम 2 साल तक मैं वीडियो बना सकूं और इसमें मैं बोर भी ना हूं। तो ये हाउ टू फाइंड योर नीच, आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि देखिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड, एडुकेशन से रिलेटेड, ऐसा कौन सा आपका नीच है जिस पे आप वीडियो बनाना चाहें। शेयर मार्केट से रिलेटेड या कोई भी ऐसा नीच है जिस पे आप वीडियो बनाना चाहें और आप लंबे टाइम पे थके भी ना। और सेकंड नंबर पे क्वेश्चन ये आता है, क्या आपको ये पता है कि क्या उसके लिए आपके पास टाइम है। आप जैसे ट्रैवलिंग पे वीडियो बनाना चाहते हैं और 9 to 5 AM आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट है, तो कैसे आप ट्रैवलिंग पे वीडियो बना सकते हैं, उसके लिए आपके पास टाइम भी नहीं है और एक अच्छे अच्छे टूल्स चाहिए उसके लिए, टूल्स भी नहीं है, तो आप कैसे उस टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं। ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप ज्ञान दे सकते हैं या बहुत सारे नॉलेज गेन करके दूसरे को साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर घूम के तो वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है और टूल्स नहीं है। तो ये 2 बातों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा अगर आप नीच डिसाइड कर रहे हैं। और जो लास्ट पॉइंट की बात आती है, इसको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि क्या आपके पास ट्रेंडिंग, क्या लोग उसको देखना पसंद करेंगे, आप उस पर वीडियो बनाएंगे तो कैसे आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मेरे पास, हाँ मैं इस टॉपिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, मैं साल 2 साल तक इस पर वीडियो बनाऊंगा लेकिन मैं थकूंगा नहीं, और आपके पास टाइम भी है उसको वीडियो बनाने के लिए। तो अब आपको तीसरे क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है कि क्या जो मैं बना रहा हूँ उसे लोग देखना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे तो क्यों देखना पसंद करेंगे, और ट्रेंडिंग में क्या वो चल रहा है कि नहीं। अगर आप ट्रेंडिंग से हटके वीडियो बना रहे हैं और वो ट्रेंडिंग में चल ही नहीं रहा है तो आप कैसे वायरल हो जाएंगे। रातों रात आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन ये हो सकते हैं, सकते का तो मतलब आप जानते हैं, लेकिन आप एक रेगुलर ढंग से पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग एक नियमित रूप से वीडियो अपलोड करते हैं तो वायरल होने के ज़्यादा चांस हो जाते। तो इन 3 क्वेश्चनों का जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपके इन 3 क्वेश्चनों का आंसर पूरा हो गया है तो आप इन 3 क्वेश्चनों का जवाब दे चुके हैं। अगर आपको मालूम हो गया कि मैं ये 3 क्वेश्चनों का आंसर दे सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है, मेरे पास एक मैंने नीच डिसाइड कर लिया और उसके लिए मेरे पास इक्विपमेंट वगैरह भी सब हैं, तो आपको लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है आपसे। 4th क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ, जैसे आप फूड रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो ट्रेंडिंग में जैसे चल रहा है, ट्रेंडिंग में इस समय क्या चल रहा है, घूमी रे घूमी ऐसे करके कोई सॉन्ग है जो इस टाइम पे चल रहा है, जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं, आपके जब आप बहुत बाद में वीडियो देख रहे होंगे तो उस टाइम पे कुछ और चल रहा होगा, तो क्या ऐसा बना सकते हैं, फूड बना सकते हैं, घूम घूम के आप फूड बना दीजिए, जो ट्रेंडिंग में म्यूजिक चल रहा है उसे अपनाइए और साथ में ऐसा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको फॉलो कीजिए, या तो आप खुद का ट्रेंडिंग जनरेट कर सकते हैं जिस टॉपिक्स पे आपने इन 3 क्वेश्चनों का जवाब दे दिया है। तो ज़रूर इन 3 क्वेश्चनों को गौर से अपने एक नोटबुक या कहीं भी आप इन 3 क्वेश्चनों का आज आप आंसर ढूंढेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आपका नीच डिसाइड है कि मैं इसे पे लंबे टाइम तक वीडियो बना सकता हूँ, क्या मेरे पास उतना टाइम और टूल्स है। और नेक्स्ट बात 3rd क्वेश्चन की बात की है कि जिसमें आप ये दे सकते हैं कि क्या मैं उसमें ट्रेंडिंग को फॉलो कर पाऊंगा, क्या वो मेरे क्रिएटर्स जो दोस्त हैं क्या वो उस वीडियो को देखना पसंद करेंगे,
तो क्यों करेंगे और कितने तेजी से मैं इस फील्ड में ग्रो कर सकता हूँ, इन तीन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा। आपने एक नोट्स बुक्स में लिख के या कहीं भी लिख के, इस पर्टिकुलर कोर्स में आप भी कुछ चाहते हैं कि इस टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाए, रील्स एडिटिंग पे एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आप रील्स को अच्छे से ट्रेंडिंग इफेक्ट लगा के कैसे वीडियो बना सकते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।